नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आजकल जब भी सबमरीन की बात होती है तो उसके अंदर एक सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, वो है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। और दोस्तों जब हम इंडियन नेवी की सबमरीन के बारे में बात करते हैं तो तब भी इसी के ऊपर कई बार आपने बात सुनी होगी, तो आज हम इसी को डिटेल में चर्चा करेंगे और क्या इंडियन नेवी के भविष्य में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का महत्व है, उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया को एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम अभी भी अडॉप्ट करना है, जबकि चाइना और पाकिस्तान ने ऐसा कर लिया है। दोस्तों ये वो सिस्टम होता है जो किसी भी सबमरीन को लंबे समय तक पानी में रहने के लिए अलाउ करता है, यानी कि उसे पावर देता है कि वह लंबे समय तक पानी के अंदर रह सके और उसे सरफेस पे सांस लेने के लिए न आना पड़े। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि लंबे समय तक सबमरीन किसी भी हाई रिस्क एरिया के अंदर पेट्रोल कर सकती है और दुश्मन की पकड़ में भी नहीं आती। और अभी दोस्तों जो हमारी कलवरी क्लास की सबमरीन आनी है उसके अंदर AIP सिस्टम होगा और वो भी इंडियन मेड सिस्टम। तो इससे इंडियन नेवी की सबमरीन की पोटेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, स्पेशली नॉन न्यूक्लियर सबमरीन की। अभी इंडियन इंजीनियर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे इंजीनियरिंग फर्म लार्सन एंड टोब्रो ने भी ऐसा एक सिस्टम का प्रोटोटाइप बनाया है और उसे कलवरी सबमरीन के अंदर फिट किया है, और ये वही कंपनी है जिसने हमारी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी लोकली बनाई है। और दोस्तों जो इस सबमरीन के फील्ड में फैमिलियर है उनका कहना है कि सारी कलवरी क्लास की सबमरीन के अंदर इस AIP सिस्टम को रीफिट किया जाएगा और ये 6 या 7 साल के बाद हो सकता है जब इन्हें कमीशन कर लिया जाए। और ऐसे में दोस्तों इन्हें क्रू एरिया और इंजन के बीच में एक स्पेस रखा गया है, वहां पर फिट किया जाएगा और इससे माना जा रहा है सबमरीन की एंड्यूरेंस 2 हफ्ते तक बढ़ जाएगी। और इंडिया फ्यूचर में 6 कलवरी क्लास की सबमरीन को ऑपरेट करेगा जो कि पूरी तरह से नई नॉन न्यूक्लियर सबमरीन होगी इंडियन नेवी की फ्लीट में। ये फ्रांस की स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन का ही एक वर्शन है और ये फ्रांस की जो अगोस्टा क्लास की सबमरीन है जो उसने पाकिस्तान के लिए बनाई थी उससे अपग्रेडेड वर्शन है। पाकिस्तान की अभी जो एग्जिस्टिंग अगोस्टा सबमरीन है उनमें से कुछ एक के पास AIP सिस्टम है जिससे उन्हें थोड़ा एडवांटेज मिलता है कुछ समय के लिए, जबकि इंडियन सबमरीन के पास ऐसा सिस्टम नहीं है, वे फ्यूल सेल का इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान नेवी मैस्मा सिस्टम का इस्तेमाल करती है, ये एथेनॉल को स्टोर ऑक्सीजन के साथ मिला के बर्न करता है जिससे स्टीम पैदा होती है और वो टरबाइन को चला देती है। ये एक तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट के जैसा ही है। पाकिस्तान अभी चाइना से 8 Type 93B सबमरीन खरीद रहा है जो AIP सिस्टम के साथ में आएगी, जिसे स्टिरलिंग जनरेटर बोला जाता है। और ये सिस्टम एक क्लोज्ड साइकिल डीजल इंजन का इस्तेमाल करता है। ये ऐसा ही सिस्टम है जो चाइना की खुद की 17 सबमरीन के अंदर है जो सर्विस के अंदर है। और स्टिरलिंग जनरेटर काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि स्वीडिश नेवी भी इसे इस्तेमाल करती है और जापान की नेवी के पास भी यही सिस्टम है। और सबमरीन वारफेयर के एक्सपर्ट एरोनेमिक बताते हैं कि ये AIP सिस्टम इंडियन नेवी को बहुत बड़ा एडवांटेज देगा, स्पेशली नॉन न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर। और इससे सबसे बड़ा लॉस पाकिस्तान का होगा क्योंकि इंडिया की पावर बढ़ेगी, उसकी सबमरीन लंबे समय तक पाकिस्तान के बॉर्डर पर रह सकती हैं। और दूसरा, जो वह चाइना से 093B क्लास की सबमरीन खरीदने वाला है उसको लिए भी एक इंडिया बैलेंस प्रदान करेगा। और उनके हिसाब से 21वीं सेंचुरी के अंदर एक बैटल स्पेस, स्पेशली वाटर के अंदर, इस तरह की खूबी होना जरूरी है और सबमरीन को एक अटैक के लिए एक ही मौका मिलता है। ऐसे में AIP उसे ये पूरी अपॉर्चुनिटी देता है। उन्होंने बताया कि इंडिया के प्रोजेक्ट को पूरा होने में काफी टाइम लग जाएगा, ऐसे में पाकिस्तान की AIP सबमरीन हालांकि इंडिया को आउट नंबर कर देंगी, लेकिन फिर भी जो इंडिया की लोकली फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है उससे भी इंडिया की कन्वेंशनल सबमरीन की यूजफुलनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही इंडिया की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन उसे एक एज देती है पाकिस्तान के ऊपर, और उसे प्रोजेक्ट 75I से जो सबमरीन मिलेगी वे भी AIP सिस्टम के साथ में आएंगी। लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि चाइना क्या इंडियन ओशियन के अंदर एक सबमरीन स्क्वाड्रन रखता है या नहीं, जिससे इंडिया को ज्यादा कॉम्प्लिकेट सिचुएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों इंडिया सबमरीन की पावर को बढ़ाने जा रहा है और उसके प्रोजेक्ट अब पहले से जल्दी पूरे हो रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।